अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है ना भाई कभी कभी तो, कि मतलब सारा काम ना ये होता है कि करे तो करे क्या, व्लॉग ये वो सब हर चीज ना बस हैम्पर हो जाती है। ओए ओए साइडो, मजबूरी नहीं है जेड़ा, मैं आज ब्रेकफास्ट में एक कुरकुरे के साथ मेयोनीज खा रहा हूँ, मन है मन। वैसे तो पास्ता भी है, सैंडविचेस भी है, बहुत सारी ऑप्शन है, बट भाई ये जो कॉम्बिनेशन है ना, आलू प्याज घिया भिंडी बैंगन, चलिए आगे चलिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था भी, ये मेरी मजबूरी नहीं है जो मैं अभी कुरकुरे खा रहा हूँ भाई, ब्रेकफास्ट में पास्ता भी है, सैंडविचेस भी है, बहुत सारी ऑप्शन है, बट अच्छा लगता है दिल को ना, अच्छा लगता है। गर्मियों की छुट्टियों की ना फील आती है अभी, हाँ भाई लेजिट गर्मियों की छुट्टियाँ हैं। क्योंकि बचपन में तो मेरा रोज का खर्चा ना, जब मैं सॉरी 13-14 साल का था, कम से कम 200 रुपये का, हाँ भाई तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट कम से कम 200 रुपये का बचपन में मेरा रोज का खर्चा हुआ करता था गर्मियों की छुट्टियों में, खाना पीना ये वो सब फटका मटका, पूरी मस्ती मारा करते थे। वो बात अलग है, दीदी को मेरे से ज़्यादा पैसे मिला करते थे, बट कोई ना चलता है। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग करके बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। आज ना मौसम वैसे बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है जैसा होना चाहिए, हल्की फुल्की धूप भी है, हल्के फुल्के बादल भी है, जो मौसम को इतना ज़्यादा कैंट बना रहे हैं ना, इतना ज़्यादा कहने की हद नहीं। खैर अभी जो आप लोग त्याग शहर होकर एकदम बढ़िया तरीके से निकल तो लिए हैं, बट पहले अपन लोगों ने जाना कारपेंटर भैया के पास, क्योंकि पहले अपन लोगों ने अपने टेबल का देख के आना है। होपफुली आज तक आज टेबल मिल जाएगा अपने वो आज की डेट में। एंड दूसरा एंड दूसरा अपन लोगों ने फ्लेक्स का भी जो एडिट वगैरह करके आना है, लोगों वगैरह को भी करने जाना है, थोड़ा बहुत चलते हैं, चलते पहले कारपेंटर भैया के पास चलते हैं, उनका काम निपटाते हैं, फिर फ्लेक्स का काम निपटाएंगे, फिर घर आके आराम से अपना पास्ता खाएंगे। अचानक से इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है ना भाई कभी कभी तो, कि मतलब सारा काम ना ये होता है कि करे तो करे क्या, व्लॉग ये वो सब हर चीज ना बस हैम्पर हो जाती है, एंड साथ साथ अपन लोगों का ब्रेकफास्ट भी। वह तो अपन लोगों ने कुरकुरे खा के अपना पेट काफी हद तक भर लिया था, बट फिर भी कहीं ना कहीं भूख लग रही थी, एंड दीदी का कॉल भी आ गया था कि घर पर सफाइयाँ हो चुकी हैं तो ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। अभी क्या अपन लोगों का सारा काम पेंडिंग है, क्योंकि अभी तक फ्लेक्स भी नहीं बनी, फ्लेक्स भी मतलब आधी बन चुकी है, आधी रहती है, और फाइनल टचेस देने रहते हैं, क्योंकि यार देखो अपा यार इन कामों में है, तो आधी ज़्यादा तो मैंने ही बनाई, डिजाइनिंग मेरी थी, बाकी वो सारी एग्जीक्यूशन वगैरह वो वही करते हैं, क्योंकि कोरल मेरे पास है नहीं। उस साथ अभी हम लोगों ने प्रिंटर भी लेना है, फिर अभी थोड़ी देर में वो बैटरी वाले भैया भी आ रहे हैं जिन्हें गाड़ी की बैटरी चेंज करनी है, तो सारा प्रेशर इकट्ठे आ गया। बट सबसे पहले अपन लोगों का पास्ता भी हमारे सामने आ गया, फटाफट इसको खत्म करते हैं, गाड़ी की बैटरी चेंज करवाते हैं, एंड फिर अपना ये प्रोसेस को शुरू करते हैं, दिनचर्या को शुरू करते हैं। मतलब दिनचर्या तो शुरू हो चुकी है यार, खाना पीना भी जरूरी है, एंड देखो इतना बढ़िया पास्ते का बोलो तो वो किसका मन ना ललचाए। तो वहाँ पे देख लो अपन लोगों की गाड़ी की नवी बैटरी तो आ चुकी है, एंड कुछ इस प्रकार का पुरानी बैटरी का हाल है हमारे का, ये देखते हैं यहाँ पे पता नहीं क्या ये हो चुका है। अभी इसके अपन लोग इन वाले एरिया में वैसलीन भी लगाएंगे, ताकि ये दोबारा से ना जमे या कुछ ऐसा ना हो। मतलब तो ये भी 8-9 साल निकाल ही गई, बट फिर भी यार ज़्यादा ही 8-9 तो नहीं, पता नहीं कितने साल निकाल गए, मेरे को घंटे का आइडिया नहीं है इसका, वो तो देख के पता चलेगा। चलो जी फाइनली अभी जो है गाड़ी की बैटरी डल चुकी है, एंड उसके साथ साथ अपन लोगों का नया प्रिंटर भी हमारे पास आ चुका है, जो कि HP का वायरलेस 416। घर पे भाई अब हमारे वायर्ड प्रिंटर है, यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न थोड़ा वायरलेस प्रिंटर है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा कंप्यूटर तो उधर होगा, मेरा लैपटॉप तो उधर होगा, तो वहां से यहाँ पे प्रिंट करना थोड़ा सा औखा होगा,
बट ना भाई वायरलेस आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी टचवुड अच्छा प्रिंटर है। बाकी भाई अपन लोगों का आधा काम हो चुका है, अभी फ्लेक्स का काम करने जाने उस पर छोटा सा काम हो रहा है, तो फटाफट वो काम निपटाते हैं एंड फिर भाई घर को निकलते हैं, क्योंकि 7 बजे प्रिंटर वाले भैया ने भी आना है, एचपी वाले भैया ने भी आना है एंड उसके साथ साथ जो पूरा लेन वगैरह का सिस्टम हो रहा है यहाँ का वो भी होना, अभी मतलब ठीक ठाक काम पेंडिंग है भाई। मेरे को ये तो नहीं आइडिया, मैंने ब्लॉग को लास्ट कहाँ एंड करा था, बट भाई तुम एक बार ये मैट देखो, येलो कलर का कितना अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पे पापा का सेटअप भी ब्राउन कलर का मैट, ये देखो ये मैं पहले ही ले आया था, मतलब जब ये ब्राउन कलर का लिया था क्योंकि अपने को आइडिया था कि मेजर टेबल पे क्या सूट करेगा, बट भाई ये तो नेक्स्ट लेवल लग रहा है। अभी इसमें थोड़ी सेटिंग करनी बाकी है, मतलब सीधा करना बाकी है, वहाँ पर अपना प्रिंटर भी आ चुका है अभी लोग है, और हाँ ये पेंटिंग्स देखो तुम लोग, मतलब वो रौनक जो ऑफिस है ना हमारा, मतलब एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इंक्लूडिंग दीज बोथ ऑफ दीज जेमुराज, मेरे दादू दादी की फोटो, मतलब हर चीज़ ना परफेक्ट हो रही है। मंडे तक फ्लेक्स भी लग जाएगी, फिर तो एकदम झक्कास लुक आएगी एंड अभी अपन लोग बस प्रिंटर वाले भैया की वेट कर रहे हैं। 6:30 हो चुके हैं, 7 बजे के करीब प्रिंटर वाले भैया आएंगे, फिर अपन लोग प्रिंटर का सेटअप कराएंगे, उसके साथ साथ अपन लोग लैन वगैरह डलवाएंगे, वो सारा काम कराएंगे, फिर एकदम वेले होके घर जाके आराम से जाएंगे। बच चुके हैं रात के 9:30, अपन लोग ऑफिस से घर तो वापस आ चुके हैं, एकदम थकार के चकनाचूर हो चुके हैं। अब भाई मेरा प्लान कुछ नहीं है, मैं आराम से थोड़ी देर यूट्यूब देखूंगा, यार कमरा भी सेट करना भी तो पूरे कमरे के ऐसे देखने वैसे सोने लायक तो है, क्या सेट करना देखी जाएगी। अभी तो भाई मैं एक बढ़िया सी चॉकलेट खाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा सोने, क्योंकि मेरे को आ रही है नींद बहुत ही घातक। वैसे भी इट्स ऑलमोस्ट 9:15 द आफ्टर इन द इवनिंग, वैसे भी इट्स ऑलमोस्ट 9:30 इन द इवनिंग एंड अभी जो आप लोग दिखाने कुछ बचा, तुम लोग देखने कुछ बचा, तो इसी नोट पर करते हैं आज वीडियो को एंड। होप कर आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, फिर नई नई जिंदगी नई एक्सपीरियंस के साथ, बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।